फ्री फायर का ऐसा एक नाम जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्री फायर का एक ऐसा नाम जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों यूज़ होता है ये नाम। तो ये नाम के पीछे भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और फैक्ट के साथ साथ बहुत रीज़न है। और इस नाम को अगर हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे तो हमारे हिंदी में एक गंदी सी गाली आती है जो हमें सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। तो भाई, इस नाम के पीछे इतने बंदे पागल क्यों है और इस नाम को बहुत सारे बंदे क्यों रखते हैं? तो भाई, ये इस नाम को रखने के पीछे कारण तो सिंपल सा है कि वो नाम बहुत ही अच्छा है और सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी बंदा इस नाम को देखता है वो एक बार सोचता जरूर है कि ये बंदे सामने बहुत ही अच्छा है, शायद अच्छा खेलता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे यही नाम, 10% से भी ज़्यादा बंदे फ्री फायर में ये नाम रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, आप लोग भी सोचने पड़ गए। नहीं, सोचो मत यार, सोचने का काम मेरा है, उतना मत सोचो। और जो लोग वीडियो पे नए नए आ रहे हो, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल का बेल आइकन दबा देना। तो गाइस, मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग वो नाम क्या है। तो गाइस, वो नाम है लेजेंड, जो 10% से भी ऊपर बंदे रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे रखते हैं ओपी लेजेंड, कोई बोलता है प्रो लेजेंड, कोई कोई कुछ और लगा लगा के रखते हैं, लेकिन लेजेंड नाम बहुत ही ज़्यादा चलता है फ्री फायर में। देखना आप लोग, ध्यान से देखना, आपकी लॉबी पे या फिर आपका गेम फ्रेंड में दो तीन बंदे तो मिल ही जाएंगे लेजेंड नाम से, होता है ना। अगर इसी नाम को अगर दो हिस्सों में डिफरेंस किया जाए ना, इसी नाम को अगर दो हिस्सों में डिफरेंस किया जाए, ठीक है, दो भागों में भाग किया जाए, तो आप लोगों को शायद एक नाम निकल के आएगा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होगे कौन सी नाम है। आप लोग सोच में पड़ गए हो कि हाँ, अगर बहुत सारे बंदे अभी तक दो हिस्सों में भाग करने भी लग गए होंगे, तो जो लोग ने दो हिस्सों में भाग कर दिया है तो शायद उन लोगों को पता लग गया है कि वो क्या वर्ड होगा। ठीक है, तो ले के बाद झंड यूज़ कर देना तो पता लग जाएगा भाई क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज़, आप लोग ज़रूर रात को जब मैं स्ट्रीम पे आऊँगा तो मेरे को बताना कि आप लोगों को आंसर क्या है, और क्या आप लोग को ये पता लग गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो गंदी सी वर्ड जो निकल के आती है वो भाई ले के बाद झंड यूज़ कर देना तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि क्या बोलने जा रहा हूँ। तो और रात में मुझे स्ट्रीम के टाइम बताना, जितने भी बंदे स्ट्रीम देखे हो मेरे वीडियो, तो ज़रूर जाके मुझे कमेंट करना रात में कि भाई वो आंसर क्या था। आप लोग हैशटैग लगा के वो आंसर लिख देना, और मैं पढ़ने के बाद मुझे पता लग जाएगा हाँ आपने वो वीडियो देखी है, यार देखी है तो आपको कैसा लगा ज़रूर यार बताना मुझे। और अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और मैं ये भी रिएक्शन देखना चाहूँगा जो लोग का नाम लेजेंड है, वो लोग भाई, उन लोगों का भी रिएक्शन देखना चाहूँगा कि वो लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। क्योंकि यार देखो, ये एक बहुत ही अच्छा नाम है, और ये जो मैंने बताया ना, इसके बाद तो शायद 10% बंदे रख रहे थे, 15% भी हो सकता है, क्योंकि यार इसमें जो वर्ड निकल के आते हैं ना वो भी थोड़ी अच्छी लगती है, और एनिमी को थोड़ा गलत फील भी दिलाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो अगर आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो बहुत अच्छे है, नहीं समझे तो भाई कुछ नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बाय बाय, टाटा।